भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह लाइव आए कहाँ, न्यूज़ 18 पर। जी हाँ, आप चौंक गए ना। अमूमन पवन सिंह इंटरव्यू देने में बिलीव नहीं करते हैं, बहुत मनाने पर पवन सिंह कभी इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि पवन सिंह को लगता है कि मीडिया बात कुछ और रहती है, बना कुछ और देती है। आज आप पवन सिंह से ही कई ऐसी बातें सुनेंगे। जब हम आरा वीडियो आगे बढ़ेगा और आप वो क्लिपिंग देखेंगे कि पवन सिंह अपने मुद्दों को कितने बेहतरीन ढंग से रखते नज़र आए हैं, जहां लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह से सवाल कुछ और किया जाता है, जवाब कुछ और देते हैं, आज वो लोग भी सुन लें कि हर सवाल का जवाब बहुत बेहतर ढंग से दे रहे हैं। के गानों पर और इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एग्री करें जी। मुझे तो पहले तो मैं पवन जी को नमस्ते बोलना चाहती हूँ और अपने एंकर को नमस्ते कहना चाहती हूँ। आते होती है पंजाबी पंजाबी पंजाबी, तो जिस तरह से पंजाबी इंडस्ट्री बॉलीवुड पे भारी पड़ रही है, वो दिन नहीं कि भोजपुरी भी बॉलीवुड पे भारी पड़ने वाली है। खैर, आइए हम भी देखते हैं कि किन किन सवालों पर क्या क्या पवन सिंह ने कहा और किन आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। अपने 27 साल के सिंगिंग करियर को पवन सिंह कितना उम्दा बता रहे हैं और कितना लोगों का प्यार पा चुके हैं पवन सिंह, तो आइए देखते हैं इस क्लिपिंग में। कोई चलने वाला लेकिन श्रद्धा पांडे जी को इस गाने में अश्लीलता नजर आ रही है, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। पहले एक बार वो गाना सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, उसके बाद हम सबसे रिएक्शन लेंगे कि इसमें क्या अश्लीलता दिख रही है। पवन जी, आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वो साफ तौर पर यूट्यूब पर भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से आपके गाने को पसंद किया जा रहा है। लेकिन श्रद्धा पांडे जिस बात का जिक्र कर रही हैं, उनको आपका ये गाना पसंद नहीं आ रहा है, उनको इसमें अश्लीलता नजर आ रही है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कोई खास तबका है क्या जो कि आपसे नाराज है या आपके गानों से नाराज है, आपके गाने के तरीके से नाराज है? पवन जी, मेरे गाने से नाराज हैं या किसी और के गाने से नाराज हैं, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये कितनी खुशी की बात है कि 3 दिन से गाना मेरा ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं इस गाने इतना अच्छा लग रहा है, 95,000 के करीब कमेंट है, गुलाल उड़ा रही है, गुलाल उड़ाना बहुत अच्छा शब्द। इस गाने में कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाराज होने के लायक है, हमको बताइए। नहीं, तो मैं नाराज नहीं हूँ लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। श्रद्धा पांडे जी, आप अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करिए, आपको इस गाने से नाराजगी है, बोल से नाराजगी है, या भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पटकथा होती है, आपको उससे नाराजगी है? क्या बदलाव चाहती हैं आप इस इंडस्ट्री में? जी जी, मैं बता रही हूँ, मुझे न पवन जी से नाराजगी है न इस गाने से। इस गाने में जो शब्द आजकल जो राइटर लिख रहे हैं, भोजपुरी हमारी भाषा है लेकिन बॉलीवुड पे भारी, जो आपने ये प्रसंग रखा है बॉलीवुड पे भारी, बॉलीवुड हिंदी, लेकिन ये भोजपुरी भाषा को इतनी अश्लीलता में क्यों परोसा जाता है, ये मुझे पसंद नहीं है। शारदा सिन्हा जी के गानों को देख लीजिए आप, पारंपरिक भोजपुरी गाने, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी, ये सब गानों को देख लीजिए, क्या होरी में, होरी हमारा सांसारिक, हाँ अरे तो हमने भाई सिर्फ एक गाने की बात थोड़ी ना की, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भोजपुरी को पसंद किया जा रहा है, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को पसंद किया जा रहा है, हम इस वजह से कह रहे हैं कि क्या यह बॉलीवुड पर भी भारी पड़ने लगी है क्या, कि आप फिर उस दिशा में आगे बढ़ चली है क्या, कि हम भविष्य में देखें कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं ना श्रद्धा जी। इसका विस्तार, इसमें पब्लिक पसंद कर रही है, आगे होगा कि नहीं होगा, लोग हिट होंगे। आजकल नए नए गायक, पवन जी तो पुराने गायक है, नए नए गायक भी एक एक ठो गाना ऐसा ऐसा गा गा के निकल रहे हैं। पवन जी तो बहुत पहले से गाते हैं और अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है, अगर ये ऐसे गाने ना भी गाए तो भी इनका नाम पहचान है। लेकिन ये जो शब्द ये रख रहे हैं, अगर ये ऐसा शब्द ना भी रखे, जो भी राइटर इनको गाना देते हैं, चाहे ये गाने के लिए एग्री है, क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या, जिन बातों का जिक्र श्रद्धा पांडे कर रही हैं, सालाना 2,000 करोड़ का टर्नओवर है भोजपुरी इंडस्ट्री का, क्या ऐसा है क्या, क्या इंडस्ट्री सिर्फ 1-2 गानों तक सीमित है, या फिर आपको लग रहा है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत बड़े पैमाने पर आगे यहाँ से स्टार भी निकलने वाले हैं, ऐसी फिल्में निकलेंगी जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पसंद की जाएंगी, न सिर्फ पूर्वांचल में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से बहुत अपना खुश हूँ कि ऐसे गाने को देखिए, अपना उनका निजी मैडम का विचार है, मैं उनके विचारों से अपना उनको नहीं कहता हूँ, बाकी ये बड़ा एंटरटेनिंग गाना है
और आज के दिल में हमेशा गाने ऐसे आते हैं, भीगे तेरी चोली चोली भीग जाए, कुछ ऐसे गाने हमेशा आते ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका निजी विचार है, उनके अपनी को लिबर्टी पे है, शी कैन एक्सप्रेस हर व्यूज। बाकी ये गाना बहुत पैपी है, बहुत ही इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री इसमें पीक पे जा रही है गानों के क्षेत्र में, म्यूजिक बहुत अच्छा जा रहा है। जिन बातों का और आगे वाले अश्मिता का जिक्र कर रही हैं, क्या वो गाये बगाये हमें बॉलीवुड में देखने को नहीं मिला? क्या हमें वो 90 के दशक में देखने को नहीं मिला? क्या डेफिनेटली मिलते हैं बॉलीवुड में? क्या ऐसी फिल्में कभी नहीं बनी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। खलनायक में क्या था? चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या था खलनायक में? तो ये सब आते तो हमेशा होती है, मगर जो पब्लिक पसंद करती है, जनता जनार्दन पसंद करती है, उसके ऊपर बात बनती है। श्रद्धा जी आप जवाब दीजिएगा, पवन आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए जी। दो मिनट मुझे बोलने दिया जाए। एक तो भोजपुरी में कहावत है, नामी बनिया बदनामी चोर। हमारे एक बात का जवाब आप लोग दीजिएगा कि हमारे एक बात का जवाब मुझे भी चाहिए कि अश्लीलता किस लैंग्वेज में नहीं है जी? हर जगह पे, खाली भोजपुरी में ही है। मैं तो अभी जिक्र किया ना चोली के पीछे। हाँ, ये एक बात जरूर है कि अच्छाई हर जगह है, बुराई हर जगह है। एक भोजपुरी पे लेबल लग गया है कि भोजपुरी मतलब गंदगी, क्यों? नहीं पवन जी, हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ गानों के माध्यम से जवाब दें। आप कुछ गाकर अगर सुनाना चाहें जिसके माध्यम से श्रद्धा जी को जवाब मिल जाए कि अश्लीलता का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल हर गाने में नहीं है वो आज, और या फिर अपना अपना देखने और सुनने का नजरिया है। पवन जी आप गाकर कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल अपना नजरिया, अपना नजरिया। आज भोजपुरी में अगर किसी चीज को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, भोजपुरी संगीत में अगर किसी गाने को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसका उस गाने का बोल है लॉलीपॉप लागेली। ये गाना कहाँ से अश्लील है बोलो? नहीं यही आप गाकर सुना दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा जी अग्री करो। लॉलीपॉप लागेली, अरे तू लगा मेलू जब लिपस्टिक, अहिले लाया डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू हो, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करे लॉलीपॉप, अरे लॉलीपॉप लागेलू हो, इसमें कहाँ गंदगी है बताइएगा जरा मुझे।